आज हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। इसका देखो ये थर्ड का फोर्थ पार्ट, सब बच्चे अपनी बुक में देखेंगे। इसमें देखो ये फोर्थ सम दिया हुआ है, थर्ड का फोर्थ पार्ट। 7465 ट्रक्स ईच कैरिंग 755 किलोग्राम ऑफ पपायाज कम इनटू द सिटी। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 7465 ट्रक्स हैं और हर एक ट्रक में 755 किलोग्राम पपाया है, ठीक है। सिटी में आते हैं, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ पपाया हैव कम इनटू द सिटी, तो ये बताना है कि सिटी के अंदर कुल कितने किलोग्राम पपाया आए हैं। देखो वन ट्रक में कितने आते हैं, 755 किलोग्राम, और टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स कितने हैं, 7465 ट्रक्स हैं। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस प्रकार से ये निकलेंगे। देखो ये पपायाज इन वन ट्रक में कितने पपाया हैं, 755 किलोग्राम पपायाज इन, कितने ट्रक है टोटल नंबर ऑफ ट्रक यहां पर है 7465 ट्रक से। ये इसमें कितने आ जाएंगे, देखो ये 7465 मल्टीप्लाई 755, ये इतने किलोग्राम आ जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम, इनको देखो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई 7465, इनको देखो किससे करेंगे, 755 से मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले हम किससे करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 जा 25, 2 कैरी आ गए यहाँ पर, 5 जा 30, 30 एंड 2 32, यहाँ पर 2 आ गया, 3 कैरी आ गया, ठीक है। 5 जा 20, 20 एंड 3 23, फिर यहाँ पर 2 कैरी आ गया, फिर 5 जा 35, 35 इंटू 37। अब हम इसके बाद हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया वन डिजिट से, अब टेंथ डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको हम 5 जा 25, ठीक है, 2 कैरी आ गया, 5 जा 30, 30 इंटू 32, फिर 3 कैरी आ गया, 5 जा 20, 20 एंड 3, 23 का 3, फिर 2 कैरी आ गया यहाँ पर। देखो ये 5 जा 35, 35 एंड 2, 37, ये आ गया। अब उसके बाद हम इससे ये जो 100 डिजिट है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे, फिर दूसरा क्रॉस लगाएंगे, फिर इससे करेंगे। अब देखो इसमें, अब देखो 75 जा 35, यहाँ पर 3 कैरी आया, 76 जा 42, 42 एंड 3 45, ठीक है, यहाँ पर 4 कैरी आ गया। देखो इसमें 74 जा 28, 28 एंड 4 32, 32 का 2, फिर 3 बचा, यहाँ पर 3 कैरी आ गया। 77 जा 49, 49 एंड 3 52, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। अब देखो कितने आए, ये 5, इनको प्लस करेंगे, यहाँ पर 5 आ गया, 2 प्लस 5 7, ठीक है, 3 प्लस 2 5, 5 एंड 5 10, 10 का 0, 1 कैरी इधर चला गया, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 5 16, 16 का 6, 1 कैरी इधर चला गया। अब देखो इसमें ये 2 इधर इसके नीचे है, अब देखो 1 कैरी इधर चला गया, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 7 11, 11 एंड 2 13, 13 का 3, 1 कैरी, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, और यहाँ पर 5। तो इसमें कितने पपाए आए हैं, देखो ये कितने किलोग्राम आए हैं, यहाँ पर आ गया 56,36,075 किलोग्राम। देखो ये 56,36,075 किलोग्राम पपाया। तो सिटी के अंदर इतने पपाया आए हैं इसमें। अब देखो इसके बाद हम
फिफ्थ पार्ट देखेंगे इसका, सब बच्चे बुक में पढ़ेंगे। इसमें देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ए होलसेलर बॉट 75 क्रेट्स ऑफ एप्पल। एक होलसेलर है और 75 क्रेट्स खरीदता है एप्पल्स के एट रुपीज ऑफ 595 पर क्रेट। एक क्रेट जो है वो 595 रुपीज का आता है, ठीक है। हाउ मच मनी डिड ही पे, उसको कितने रुपए पे करने पड़े, कितने देने पड़े हैं। तो देखो वन क्रेट की कीमत कितनी है, कॉस्ट कितनी है, 595 रुपीज है। और टोटल कितने क्रेट लिए हैं, 75 लिए हैं। तो ये ज़्यादा के निकालने के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। वन की दी हुई है, 75 की निकालनी है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके आगे भी दिया हुआ है, ही सेल्स देम एट रुपीज 625 पर क्रेट। फिर उनको वो खरीदने के बाद बेचता भी है, उनको सेल करता है वो। एक क्रेट कितने का बेचता है, 625 रुपीज का बेचता है। तो है हाउ मच मनी डज ही रिसीव, तो ये बताना है उसने कितने रुपए रिसीव किए, मतलब कितने रुपए में बेचा। तो इसका भी निकालना है, 75 क्रेट्स हैं, इसको भी 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ही रिसीव्ड मनी। अब देखो यहाँ करते हैं इसको हम, कॉस्ट प्राइस। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, वो खरीदता है बॉट करता है, तो इसका मतलब बाय करता है, तो इसको हम, इसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस बोल देते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ, देखो इधर फिफ्थ पार्ट है ये, कॉस्ट प्राइस, प्राइस ऑफ वन क्रेट, वन क्रेट ऑफ एप्पल कितना है, 595। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ, यहां लिखा हुआ है 75 क्रेट्स, 75 क्रेट्स ऑफ एप्पल्स कितना आ जाएगा, ये 595 मल्टीप्लाई 75। इसको मल्टीप्लाई करके देखो, इधर करके देख लेते हैं, चलो यहां कर लेते हैं 595 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, कितना आएगा देखो। सबसे पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 जा 25, 2 कैरी आ गया, 59 जा 45, 45 एंड 2 47, उसके बाद कितना कैरी आया 4, 55 जा 25, 25 एंड 4 29। अब देखो 10th डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, 7 5 या 35, 35 का 5, यहाँ पर 3 कैरी आ गया हमारे पास, 7 7 9 या 63, 63 एंड 3 66, 66 का 6 उतार लिया, 6 कैरी आ गया ये, 7 5 या 35, 35 एंड 6 41, यहाँ पर आ गया हमारे पास 5, 7 + 5 12 का 2 वन कैरी, 1 + 9 10 एंड 6 16 वन कैरी, 1 + 2 3 एंड 4 ये 4, तो हमारे पास क्या आ गया 44,625। तो ये कितना आ जाएगा, ये 44,625 रुपीज़, ठीक है। अब अगला निकालना है, उसने जो रिसीव्ड किए, जो उसने बेचा है, बेचने पर कितने मिलेंगे उसको, देखो इसका बेचने वाले प्राइस को, सेलिंग प्राइस को, इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं एस पी। देखो सेलिंग प्राइस ऑफ, नाउ सेलिंग प्राइस, प्राइस ऑफ वन क्रेट, वन क्रेट ऑफ एप्पल, वन क्रेट ऑफ एप्पल। देखो सेलिंग प्राइस है जितने में उसने बेचा, कितने में बेचा इसने, ये है 625 रुपीज में एक क्रेट को बेचा है। तो टोटल क्रेट कितने हैं, 75 क्रेट है, 75 क्रेट्स ऑफ एप्पल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका
625 मल्टीप्लाई 75। तो देखो अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको हम यहाँ करके दिखा देते हैं, 625 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले इसको, 5 जा 25 का 5 2 कैरी आ गया, 5 टू जा 10 इन टू 12 का 2 आ गया, 1 कैरी आया, 5 सिक्स जा 30 एंड 1 31। अब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 जा 35 का 5 और 3 कैरी आ गया, इसमें प्लस करेंगे फिर अगले में, 7 टू जा 14 एंड 3 17 का 7 1 कैरी आया, 7 सिक्स जा 42 एंड 1 43। कितना आया यहाँ पर 5 प्लस करेंगे, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8 3 प्लस 3 6 और ये 4। कितना आया यहाँ पर हमारे पास 46,875 रुपीज़। तो ये सेलिंग प्राइस है जो उसने रिसीव की है, ये रिसीव्ड मनी, या लिख देंगे ये रिसीव्ड मनी। चलो ये एक तो ये तो कॉस्ट प्राइस आ गया और ये सेलिंग प्राइस आ गया, यही हमने निकालना था। थैंक यू।